चौंक जाएंगे, यूपी के कानपुर में आई लव पाकिस्तान लिखे गुब्बारे मिले हैं। इन गुब्बारों का इस्तेमाल एक बर्थडे पार्टी में किया गया था, लेकिन क्या है इन गुब्बारों के पीछे का सच, आप देखिए। इन पीले हरे लाल गुब्बारों ने यूपी के कानपुर में सनसनी फैला दी है, जिसने भी इन गुब्बारों को देखा हैरान रह गया, क्योंकि जो सामने था उस पर यकीन करना मुश्किल था। पीले रंग के इस गुब्बारे को देखिए, जिस पर अंग्रेजी में लिखा है पाकिस्तान, उसके पास दिल की तस्वीर भी बनी है और उसके पहले लिखा है आई, यानी साफ है कि गुब्बारे पर आई लव पाकिस्तान का मैसेज है। लेकिन सिर्फ एक गुब्बारा नहीं है, ऐसे कई और भी गुब्बारे हैं जिन पर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है, और इन्हीं गुब्बारों ने कानपुर के बर्रा इलाके में चल रही एक बर्थडे पार्टी के रंग में भंग डाल दिया। मामला बुधवार का है। एडवोकेट राजेश कुमार श्रीवास्तव के 11 साल के बेटे का जन्मदिन था। गुब्बारे से सजावट हो रही थी, लेकिन जैसे ही गुब्बारे फुलाए गए तो आई लव पाकिस्तान देखकर सब चौंक गए। परिवार की शिकायत पर मामला थाने पहुंचा। पुलिस वालों ने खुद गुब्बारे फुलाकर इसकी जांच की और नतीजा देखकर हैरान रह गए। मैंने देखा कि कुछ गुब्बारों में मोस्टली किसी किसी पैकेट में एक, किसी में दो या किसी में एक भी नहीं, उर्दू में लिखे हुए कुछ गुब्बारे हमको वहां पर मिले। तो जब उन उर्दू में लिखे गुब्बारों के हमने 5 या 6 पैकेट खरीदे, उसके बाद मैं गोविंदनगर थाने आया। शिकायत के बाद पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। गुब्बारे बेचने वाले दुकानदार से भी पूछताछ की गई। जिन जिन लोगों से वो बताए दुकानदार कि हम यहाँ से लाए हैं, वहाँ भेजा गया है, और अगर बाद में पता चलेगा कि वो दूसरे शहरों से लाया गया है, वहाँ भी जाकर जांच। दुकानदार के मुताबिक गुब्बारे दिल्ली से लाए गए थे, जिसके बाद पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए दिल्ली निकल गई। संदीप शर्मा, इंडिया टीवी, कानपुर।